जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने नगर दाऊदपुर, साकेत नगर, बेतिहाता, मिर्जापुर, रुस्तमपुर, पेड़लेगंज, रुस्तमपुर, बेतिहाता रोड पर जल जमाव की स्थिति को देखने के लिए नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ भ्रमण किया। डीएम ने निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यकता हो पोकलैंड मशीन, जेसीबी आदि लगाकर नालों की तत्काल सफाई कराई जाए। डीएम ने दुकानदारों को सचेत किया कि दुकानों के सामने कूड़ा ना फेंकें, यदि दुकान के सामने कूड़ा पाया जाता है तो जुर्माना, सील तथा मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी खाली प्लाटों पर कूड़ा फेंकने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आमजन से अपील किया कि घरों एवं दुकानों के सामने कूड़ा ना फेंकें, कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकें। जिलाधिकारी ने नाले पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए उसे तत्काल हटा लेने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, देखिए तो 5 वार्ड का निरीक्षण किया था हमने, जो बेतिहाता, दक्षिण और रुस्तमपुर और इसी इलाका का है, जो कहाँ पानी जो खासतौर पे जो वहाँ रामगढ़ ताल में गिरता है वहाँ, तो मुझे दिख रहा है तो सिल्ट सफाई का उतने मतलब तो ध्यान से कराई नहीं गया है। उसका वजह ये भी है ताकि जो नाली नाला के ऊपर काफ़ी इंक्रोचमेंट है, कहीं कहीं कच्चा है, कहीं कहीं बिल्कुल पक्का बना दिया, उसी की वजह से नीचे जो पॉलीथीन इत्यादि सारे जम गया है, जगह जगह अपने मर्जी से जो उन लोग पटा दिए हैं उसी की वजह पूरा है। अब निरीक्षण के तौर से जो कितने लोग अवैध जो वो नाली का पार्ट रखा है उन लोगों को हमने निर्देश दिया, एक दो लोग का तो सीधे सीधे पुलिस स्टेशन को भी भेज दिया हमने, ताकि कितने बार नोटिस देने के बाद वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जनहित में देखिए नाली पाटना तो बिल्कुल बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो जो आप ये आपका जो इस पर IPC का विभिन्न धारा के अंदर भी आपको ऊपर कार्रवाई होगा, पब्लिक न्यूसेंस का भी कार्रवाई होगा, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी कार्रवाई होगा। आपसे अपील करता हूँ, आपको जो रास्ता चाहिए उसको टेम्प्रवरी स्लैब लगा करके तो आप रास्ता बना दीजिए, कतई उसको पक्का मत बना दीजिएगा, और सफाई के लिए सहयोग कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बस सबसे अपील करने चाहता हूँ, देखिए जो कितने दुकानदार हो नहीं तो गृहवासी हो, आप लोग कृपया करके कूड़ा की एक जगह रख लीजिएगा, ताकि नगर निगम आके ले लेंगे, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाएगा, तो कृपया करके वहाँ रखा हुआ कूड़ादान डब्बा जो नगर निगम का डब्बा में डाल दीजिए। अब ज़्यादातर दुकान में तो देखा था उन लोग तो प्लास्टिक, थैला, पन्नी, पॉलीथीन सब चीज़ को तो नाले में फेंक दिए। अब तो अभी तो एक सप्ताह पहले सफाई हुआ, दोबारा चौक हो गया, कितने बार हम साफ कर पाएंगे? ये तो इतने कॉमन सेंस, जो सिविल सेंस हम लोग को होना चाहिए था। मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ, कृपया करके ये जो अभियान में हम लोग को सहयोग दीजिए, ताकि सीमित साधन संसाधन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि बरसात तो लगातार हो रही है, आज 4वें दिन तो लगातार बारिश है, आगे भी बारिश का मौसम है, अगले 2 महीने ऐसे ही रहेगा। हम तो प्रयास जारी रखेंगे, दिन रात भर मोटर चलाएंगे, पंप आउट करेंगे, जो नाली नाला का सफाई करेंगे, सारे करेंगे, बट बिना आपको जन सहयोग से हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मीडिया माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो देखिए ये हमारा घर है, हम लोग का शहर है, इसको साफ सुथरी रखना हम लोग सबको जिम्मेदारी।